अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद रज़ा, आप देख रहे हैं डेरा बुक टी व्लॉग चैनल। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को खुश है, खैरियत है। नाज़रीन, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन व्लॉग बना रहा हूँ। आज जो है मैं आपको क्या दिखाऊँ, आज जो है बेहतरीन व्लॉग है कि हमारे इलाके में अभी जो है खेती बाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है। लोग बड़े बड़े काम और तैयारियां करते हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने नाज़रीन को अपने इलाके का माहौल दिखाऊंगा और मेरा एक गंजा बढ़ रहा है उसको आपको दिखाऊंगा वो कैसा कैसा है। आइए आप देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे मेरे भाई, क्या हो गया, काफ़ी मसला है। ये बात देखो, ये इनका जो है आप चेहरे का दीदार करो, ये हमारा वडरा है। वडेरा वडेरा बावली साहिबा जो है सवाल जो है ओ बराहो भैया बोल बोल जोड़ो ठीक है। हां भाई सही सही भाईजान, आप लोगों से ये जो पीछे पीछे हमारा ये बंदे सब हमारा नजर आ रहे हैं आपको। ये देखे, ये हमसे बड़ा है और ये हमसे छोटा है, वो पीछे वाला हमसे भी छोटा है और ये हमसे भी छोटा है। मैं सबसे बड़ा हूँ, ये हमसे भाई मैं आपको पता था कि किसान पहले से दुखी हैं और परेशान हैं। किस वजह से गंदम का रेंट इतना नीचे आ गया था और खाद का रेंट इतना बड़ा हुआ था, तो किसान अभी जाकर रो 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 के अपने हाल जो बुरा कर रही है। ये तभी किसान है, मैं भी किसान हूँ भाई, क्या करूँ। मेरा जो गंदी मैं सब रख के स्टॉप करके अपने खाने के लिए जमा किया है। अब मुझे भाई बताएं कि अभी क्या खेती बाड़ी का तैयारी कर रहे हैं और कौन सा कारोबार आपने खोला है, अभी कौन सा खेत बनाने जा रहे हैं आप? मेरे भाई मैं एक कारोबार खोलने जा रहा हूँ। तुम कारोबार पूछता फैन चोत नहीं यार, वो इधर इधर काम चल रहा है, चावल का कारोबार है। नहीं नहीं, नहीं सॉरी सॉरी, मुझे गलती हो गया था। ये कहाँ से पागल आ गया था हमारे पीछे? पागल है साले, ये बड़ा है आपका जमींदार। मैं जमींदार हूँ, मैं पागल है, मैंने तुमको बन नहीं दिया, मैं पागल है। देखिए, और हाईब्रिड कहते हैं, एरिनाइन कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है, वो छम कहते हैं, चो चो कहते हैं, चो चो हाँ। और चो भी है साले, एरी वन है, एरी नाइन, एरी नाइन भी है, एरी टू भी है, हाँ। एरी थ्री भी है। आप मुझे बताएं आप कौन सा कर रहे हैं? मैं साला इस वक्त यार भाई जो है ये हमारा वड्रा था ना, इनके पास एक सवाल का जवाब नहीं मिला था। अभी मैं आपको किसानों को पूछता हूँ वो कैसा परेशान है या खुशी हाल है। अभी हमारा वहाँ किसान काम कर रहे, देखे ट्रैक्टर नजदीक, वो ट्रैक्टर देखे नजर आ रहा है। ये जो है चावल का खेती कारोबार स्टार्ट है और इनका जो है अभी बारी बनाते हैं और फिर इनको जो है ये क्या को ये डालते हैं, इसका क्या कहते हैं, गंद गंद इसको बोलते हैं, गंद नहीं साले, बोलते हैं चावल का भूसा। हाँ चावल का भूसा, या गंदम का भूसा, क्योंकि ये सारा जो है किसान भी मौजूद हैं और जमींदार भी मौजूद हैं। हम एक एक करके सबको सवाल पूछेंगे, अगर किसी का फस सवाल का हो गया तो हमारा ये वड्रा हमारा साथ है। इनका पास एक सवाल का जवाब ही नहीं मिला है, क्योंकि ये ऐसा है, वो इनके है। पैसे ऐसा है, पागल है। इनका पास पैसे ज़्यादा है, ये पागल, ये बातें बड़े बड़े करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करता है। ये हमारा जैसा बंदा है, मैं सारे कह ये बारी है भाई, बारी बारी बना रहे हैं और ये छोटा छोटा जो बारी बारी तो करेगा, फिर इनके अंदर भूसा डालेंगे, फिर इनको चावल लगाएंगे, फिर चावल का खेत तैयार हो जाएंगे, फिर हम रोंबी लगाएंगे। आपको सब चीज़ आपको दिखा रहे हैं। अभी जो है वाड्रा से पूछेंगे, वाड्रा क्या इनका बता रहे हैं, हमारा वाड्रा को देखेंगे। ये सब लोग बैठे हैं, इन किसानों को पूछते हैं, ये पहले से भी परेशान है किसान का। अस्सलाम वालेकुम भैया, किसान है, आपको इनको दिखाता हूँ, ये भी किसान है भोंगो, ये भी किसान है, ये भी किसान है, ये सब किसान बैठा हुआ है। ये वडेरा है, वो भी वडेरा है, गंगड़पाल भाई मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जी जी पूछे भाईजान, मुझे उम्मीद है आप पहले से भी दुखी है क्योंकि गंदी का रेट इतना नीचे आ गया था और खाद का रेट बड़ा हुआ था, तो अभी नहीं अभी क्या तैयारी कर रहे हैं आप? भाई हमारा ख्वाहिश है जो है ना खाद का रेट कम हो। अच्छा अच्छा, वो कम नहीं होगा, मेरे बात सुनो, खाद का रेट बिल्कुल कम नहीं होगा, आपका जो चीज़ है वो कम हो जाएंगे, आपका चीज़ कम होगा। हाँ वो आपको जो है चावल कर रहे हैं ये भी कम होगा, गंदम का रेट भी कम होगा, इसमें क्या जुल्म है सरासर हो गया था। और ड्राइवर साहब को पूछेगा, हाँ ड्राइवर साहब क्या पानी पी रहे, वाह वाह क्या बात है ड्राइवर साहब का। हाँ ड्राइवर साहब मुझे बताया आप क्या काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर में क्या बना रहे हैं?
चावल का चुप भाई, इनको जो है उर्दू नहीं आ रहा है। मैं अभी इस मोटा दिमाग से पूछूंगा ये क्या बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे खैरियत ठीक ठाक है? माशाल्लाह ये तो मुझे बड़ा बंदा लग रहा है, मोटा भी है इनका, इसका मोटा भी है थोड़ा बड़ा भी है बड़ा भी है, इनका अकल भी बड़ा होता है। अभी इनको सवाल पूछेंगे। सवाल पूछिए जी भाई। आप तो जमींदार हैं, आपके पास जमीन बहुत है, आपने किसानों को क्या दिया था? किसान परेशान है इस साल में, जो गंदम का रेट तो सभा नीचे आ गया था, खाद का रेट ऊपर था, अभी क्या तैयारियां शुरू है? मुझे क्या देना है? देना है जो गवर्नमेंट को देना है, अगर किसानों को रिलीफ देना है वो दे दे। अच्छा अच्छा, उनके फसल को देना ऊपर करे, अभी खाद यूरिया डीएपी सब लोगों ने, मैंने सबको दिखाया था, ये किसान पहले से दुखी हैं, वडेरा भी दुखी हैं, सब लोग जो ड्राइवर हजरत है वो भी परेशान है। हाँ। भाई हर बंदे से सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि हुकूमत को, अभी आपके सवाल का जवाब का क्या मिला? सवाल हमें मिलता है मर्दा की है, वो हमारे बलोची में क्या कहते हैं कि दांगी दांगी उसके गुमर। ठीक है भाई जान, आपको हमारा ये मजा वाला ये बेहतरीन मजाक की वेलो कैसा लगा है, और आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।